नमस्कार किसान साथियों, मैं बिमल कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल यूपी के किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल के साथ कौन सी ऐसी फसल करें जिससे कि हमें ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए। तो किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं आलू के साथ ऐसी कौन सी फसल करें जिससे कि हमें आलू के खेत से ज़्यादा मुनाफा व प्रॉफिट मिल पाए और हम अपने खेत से ज़्यादा पैदावार, मतलब पैसों की पैदावार कैसे बढ़ा पाएँ। तो किसान साथियों, आप आलू के खेत में तुरई की खेती कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के से हमने बेड बनाकर आलू के अंदर बेड बनाकर और तुरई की खेती की हुई है। मैं हर साल लगभग 5 बीघे तुरई करता हूं और आप देख सकते हैं हमारे तुरई के पौधे कितने ही अच्छे चल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये पौधा देख सकते हैं आप कितना बड़ा हो चुका है, देखिए आप। अब अगर आप तुरई की खेती करते हैं और आप सभी जानते ही होंगे कि तुरई की खेती कितनी लाभकारी होती है, क्योंकि तुरई स्टार्टिंग में 80 से 100 रुपये प्रति किलो ही मार्केट में चली जाती है, इससे कम तो रेट मिलना ही नहीं है। तो किसान साथियों, अगर आप तुरई की खेती करते हैं तो आपको तुरई की खेती कम से कम 2 बीघे से आप 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक कमा सकते हैं, क्योंकि तुरई एक ऐसा फसल है जिसमें कि लागत बहुत कम लगती है और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको यह जानना है कि तुरई की खेती कैसे करें तो मैं आपके लिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करें तुरई की हार्वेस्टिंग की, तो कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद जैसे ही हमारा आलू खुद के खेत से निकलेगा तैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि 1 से 1.5 महीने बाद हल्की गर्मी होने लगेगी और हमारे पौधे फुलावरिंग देने लगेंगे, इसीलिए 1 से 1.5 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये फसल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें लागत का खर्चा बहुत ही कम आता है और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से तुरई की खेती करना चाहते हैं, आलू भी कर सकें साथ में, तुरई करें क्योंकि आम के आम और गुठलियों के दाम आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप आलू के साथ करेंगे तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आपकी फसल तैयार होगी। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सभी किसान साथियों को खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।